संगम शरण में गच्छा, मतलब संघ के शरण में जाओ, संघ कहाँ है, भाजपा के पास है। बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे और उनकी लड़ाई में सहभागिता हम लोग निभाएंगे। रविवार को निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने लखनऊ के बैसासरिया हॉल में आयोजित शाह के कोलीय मिलन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहां उपस्थित सभी मौर्य शाह के सैनी कुशवाहा पटेल, दागी मोहंतो, गुज्जर, वर्मा और निषाद समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले आपको अपने समाज का नेता बनना होगा और फिर अपनी पहचान सर्व समाज के नेता के रूप में बनानी होगी। आज भाजपा ऐसी पार्टी बनकर उभरी है जहां पर सर्व समाज का सहयोग और समर्थन प्राप्त। माननीय मंत्री जी ने बताया कि शाक्यों का इतिहास सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम में कई बीजेपी नेता जिसमें प्रियंका मौर्य, अर्पण गुप्ता व नीतीश बिंद और पूरे प्रदेश के 75 जिलों से आए हुए समर्थक शामिल हुए। आज आपका सम्मान समारोह किया जा रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये जनता का सम्मान है, हमने एक प्रतिरूप है क्योंकि इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा। निर्बलों के लिए मैं आज 13 जून 2013 से मैं काम कर रहा हूँ। वैसे मैं 40 साल से सोशल वर्क कर रहा हूँ क्योंकि हमें किताब पढ़ने का मिला था, सृष्टि और प्रलय, संविधान, विज्ञान और जो है समाज, उसमें सभी जाति धर्म के लोग, तो भारत की संस्कृति का, भारत की संस्कृति में विविधताएं थी और भारत गुरुओं का देश कहा जाता था। तब इस देश में दुनिया के लोग आते थे ज्ञान लेने के लिए, लेकिन कुछ आक्रमणकारी विदेशी ताकतों की वजह से भारतीय संस्कृति का नष्टकरण किया। उसे भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित किया जा सके उसके लिए हम इसमें जागरूकता अभियान किया कि इनके अंदर क्या कमियां हैं, जिसकी कुरीतियां आ गई हैं, कि स्वतः एक ऐसे एक्सीडेंट किया था विदेशी ताकतों ने कि अपने भावशाली इतिहास को एक हो जाए। तो आया पढ़ने में मिला कि भाई कि पॉलिटिकल पावर तो स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, हमारे पुरखे भारत को राजनीति शुरू से राजनीति दुनिया में हमारे भारत से गया हो, बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ हो, बुद्ध की माँ कोली थी और शाक्य पिता थे, मतलब कोली और शाक्यों का मिलन बहुत पहले था, इसके मतलब एक अंतर जाति संबंध थे पहले थे, तब दुनिया में एक इतिहास था। बुद्ध आज 84 देशों में उनकी विचारधारा चलती है। तो भारत के में मान भगवान बुद्ध ने कहा था कि बुद्धों ने बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्धि जो होती है स्कूल में होती है, इंस्टीट्यूशन में होती है, सम्मेलन में होती है, किताब में होती है, वीडियो में होती है, सिनेमा में होती है। बुद्धि बड़े संगत से मिलती है, जो बुद्धिमान लोगों के साथ जाने से, संस्कार से मिलती है, विचार से, व्यवहार से मिलती है। बुद्धि के शरण में जाओ और धम्मम शरणम गच्छा, बुद्धम शरणम गच्छा और बुद्धि के शरण में जाओ। बुद्ध मतलब बुद्धि का प्रभु। एक धम्मम शरणम गच्छा, एक धम्म मतलब एक मार्ग पर चलो, विकास के मार्ग पर चलो, विकास की मुख्यधारा में जोड़ने वाले मार्ग पर चलो, सेवा के मार्ग पर चलो। संतरा गरीब जो जनता जो होती है, गरीब निर्बल होता है, वो एक तरीके से जनता जनार्दन है, भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसके दरवाजे पर कैसे हम इसके अंतर उसके जीवन में उदय कर सकते हैं। तीसरा चौथा उन्होंने कहा संघम शरणम गच्छा, कि संघ के शरण में जाओ। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, कि उन लोगों ने एक ऐतिहासिक संघ की स्थापना की है और संघ के जो प्रचारक हैं उन्हें बधाई दूंगा कि संघ पूरे देश में आज के दिन में सभी जाति धर्म बिना भेदभाव के सभी लोगों को जोड़ना, उनके अंदर भारत की संस्कृति का स्थापना करना। संगम शरणम गच्छा, मतलब संघ के शरण जाओ, संघ कहाँ है, भाजपा जी। मेरा नाम नीतीश कुमार बिंद है, मैं मछलीसर विधानसभा जनपद जौनपुर से आता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और साथ में निषाद पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कि भाजपा के साथ जो भी गठबंधन की पार्टियाँ हैं मैं सबके साथ रहता हूँ, सबका कार्य देखता हूँ और मैं डॉक्टर संजय निषाद के जहाँ भी कार्यक्रम होता है मैं वहाँ जरूर उपस्थित रहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझको सम्मान देते हैं और उनके कार्यक्रम में मैं लखनऊ चल के आता हूँ जौनपुर से। और आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो छोटी मोटी गरीब लोगों की बातें रहती हैं और या बड़ी ही बातें रहती हैं जो पहुंच नहीं पाता, उस बातों को आप लोगों के माध्यम से पहुंचता है तो बड़ी खुशी मिलती है कि कुछ लोग हम डॉक्टर साहब के पास नहीं पहुंच पाते हैं या माननीय मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच पाते हैं।
इन सब बातों को लेकर आप लोग जो पहुंचाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। आज क्या कार्यक्रम लखनऊ में, आज नीतीश जी आए हुए हैं पार्टी के लिए, इतना आपने मेहनत किया, आज क्या कार्यक्रम? आज कार्यक्रम यह है कि मौर्य समाज को लेकर है, मौर्य समाज से जितने भी उसमें मौर्य में साक्ष्य मौर्य और पटेल और सब भी आते हैं जो लिखते हैं, अब तो अलग अलग नाम मिलते हैं, तो उनको जोड़ा जा रहा है निषाद पार्टी से। सभी को बताया जा रहा है कि आप निषाद पार्टी से जुड़ेंगे तो भाजपा से भी समझिए जुड़ रहे हैं, तो सबको जोड़ा जा रहा है, इसलिए आज पटेल मौर्य समाज को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। ये जोड़ने का इशारा कहीं 2024 का चुनाव तो नहीं? हाँ, पहले संगठन को मजबूत करना है, उसके बाद सामने चुनाव लोकसभा है ही, मतलब उस चुनाव तो है ही है, लेकिन उस समाज का भी विकास हो, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ आए और उनका हमारे साथ आए, हम उनकी बातों को वहाँ तक पहुँचाएंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे और उनकी लड़ाई में सहभागिता हम लोग निभाएंगे। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।